global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. Appreciation bahut acha hai yaar, matlab with family and friends, and even when we see our comments on Instagram or any platform, so people were excited the day poster came. So poster ke sath ki kya acha poster hai, my mom was excited कि मैंने उसमें पग पहनी हुई है, मी सोनाली याद है जो चौका सुप्रिया थे. तो अगेन यू नो यू गो बैक, ऑडियंस गो बैक एंड दे सी दैट एंड दे गेट कनेक्टेड. आई थिंक ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के साथ. तो वो उनको देखने मिला है. माई फैमिली फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी द डे पोस्टर केम. देन द ट्रेलर, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से बना है, काफ़ी रियल है. तो उसके बाद गाने आ गए, गाने लैम्बोर्गिनी मम्मी नू पसंद नहीं, दे हैव लव्ड एवरी सॉन्ग्स यू नो एंड इट गॉन इन मिलियंस. तो आई थिंक वही प्यार वो दे रहे हैं. तो ये अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ लव सर वी यू नो एवरी ईयर देयर इज समथिंग कमिंग अप एंड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फॉर अस. बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है और विच इज नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक इसीलिए हंस रहा बिकॉज आई एम एक्साइटेड लाइक अ गर्ल, लाइक अ लिटिल गर्ल. एंड बहुत हर तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, वेदर इट्स आवर फ्रेंड्स फैमिलीज एज़ यू सेड सोशल मीडिया. इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि द सॉन्ग्स विल ऑल्सो टेक ऑफ सो मच एंड हमारी केमिस्ट्री को इतना सराहा जाएगा एंड पीपल वुड एक्चुअली बी एक्साइटेड कि हमें पंचनामा 2 के बाद साथ में देखने के लिए. सो फ्रॉम एवरीवेयर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड एक जो कॉमन चीज़ जो हर जगह से सुनने मिल रही है इज़ दैट इट्स अ वेरी रिलेटेबल एंड अ क्वर्की फिल्म. एंड आई डू थिंक सो बिकॉज ये फिल्म देख के हर एक को लगेगा कि हाँ आई रिलेट टू दिस, या बहुत ही रियल सा सेटअप है, डायलॉग्स बोलो या सीन्स बोलो या सिचुएशंस बोलो. सो वो एक कॉमन रिएक्शन जो सुनने में मिल रहा है एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग. ओके, सोनल मैंने अभी जा कहा कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है लोगों को, सो बॉन्ड कितना ज़रूरी होता है जब भी को-स्टार के साथ कोई काम करते हैं, सो हाउ बॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट. बॉन्ड इज वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट जेम्स बॉन्ड कम्स फ्रॉम लवस्टर ओनली बिकॉज उनके साथ हमारा वो बॉन्ड है. और जब हम पहली बार मिले थे सारे, तो जब से यू नो गोइंग आउट फॉर ट्रिप्स एंड दिस एंड, जब से लेके जय मम्मी दी तक इट्स बीन अमेजिंग. मतलब वो बहुत हर दिन मतलब ऐसा लगता है कि यू नो वी शुड मीट एवरी डे. तो ये वाली फीलिंग रही है हमेशा. इतनी बार साथ में घूमे, साथ में मतलब इधर उधर, और एक चीज़ें एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं, और वो काम को लेके हो या यू नो पर्सनल हो, कि एक दूसरे की मूवी को सपोर्ट करना हो, कुछ भी हो, तो वो बॉन्ड इतना मैटर करता है कि व्हेन यू नो यू हैव अ ओन यू कैन सी अ कैंप विच यू आर वेरी कम्फर्टेबल विथ एंड यू सी ईच अदर ग्रोइंग. और अगला इतने अच्छा कर रहा है, इतनी अच्छी नुसरत इतना अच्छा कर रही है, सोनाली इतना अच्छा कर, हम सब जो साथ में है, तो ये मुझे पता है कि पेनबली 50-60 विल बी वेरी हैप्पी दैट यू नो. बहुत कम ऐसे दोस्त और बहुत कम ऐसी बॉन्डिंग्स होती हैं इंडस्ट्री में जो टिकती हैं आई थिंक. तो ये वो है कि जो लव हेट और अनकंडीशनल सा कह सकते हो कि हमें पता है कि हम सब एक दूसरे के लिए हैं. आई थिंक एक बॉन्ड्स ऑफ कोर्स बन जाते हैं वंस यू वर्क इन द इंडस्ट्री, बट एक जो रियल वाला होता है आई थिंक यू कैन टेल द डिफरेंस. एंड यहाँ पे क्योंकि हमारी पहली फिल्म साथ में थी, आई मीन इट इज़ लव सर की हमारे साथ, देन सनी के साथ मेरी दूसरी फिल्म, सेटअप बहुत ही कम्फर्टेबल हो जाता है और इस टाइप की फिल्म करने में मज़ा भी आता है बिकॉज ऑब्वियसली हम एक्टर्स हैं तो हम कर लेंगे किसी के साथ भी, बट एक कम्फर्ट लेवल और एक मज़े वाली जो फील होती है कि ऐसा लगता नहीं है कि आप काम पे जा रहे हो. सो और प्लस क्या होता है कि हर साल वो स्ट्रेंथन ही होता है कि जो हमारा ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए जो पहले था और अभी, इट हैज़ ओनली ग्रोन दैट रिलेशनशिप. ओके, जोड़ी की बात करें तो आप दोनों की जोड़ी का हमेशा पसंद किया गया है, सो एज ए पर्सनली आपको कौन सी ऐसी जोड़ी है बॉलीवुड में जो हमेशा पसंद है? मुझे मेरे को विराट और अनुष्का, बट वो दोनों नहीं है ना. हाँ मतलब वो अभी मतलब समवेयर देयर आर जो पार्ट, सो यू नो द बीइंग अ सेलेब, सो इट्स जस्ट दैट कि वो जो और अजय काजल, दे बोथ आर सो मतलब रियल ना, मतलब इतना अच्छा लगता है देख के. वो एक सिंपलिसिटी आज भी बरकरार है
मतलब जो आपके रूट्स हैं ना तो उनके वो चेहरे पे दिख जाते हैं. तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट. कोई सवाल मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने आपको बहुत सारे रोल्स में देखे बट मोस्ट ऑफ ऑल आपको देखा है कि ग्लैमरस रोल में ज्यादा देखा गया. सो डू यू थिंक यू हैव बीन टाइपकास्ट? यस आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट. आई फील लाइक इट्स वेरी easy to get typecasted when you are starting out or aap kuch similar type ke roles milte hain but ye koi conscious decision nahi hota hai ki main is industry mein aaye soch ke ki main sirf glamorous roles karungi. In fact it's quite the opposite. aap pehle wohi roles karte ho jo aapko easily milte hain, uske baad aapko baith ke dhoondna padta hai ki aise roles jo thoda sa aapko us image se break away kare. And I have nothing against glamorous roles. In fact I want to do that also. बट आई जस्ट फील कि देर इज़ सो मच मोर टू माई पर्सनैलिटी जो मुझे एक्सप्लोर करना है. ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो मुझे करने हैं जो मुझे देख के आप शायद नहीं बोलोगे पर मुझे पता है मैं कर सकती हूँ. इनफैक्ट सांझ जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जय मम्मी दी में, सांझ का कैरेक्टर वैसा ही कैरेक्टर है जो मैंने अभी तक नहीं किया है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. जो आप पूछ रहे थे कि आप एक्साइटेड हो, ये इसलिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स समथिंग आई हैव नॉट प्लेड बिफोर. एंड आई थिंक कहीं पे लोग देख के सोचेंगे कि ओ वी नेवर थॉट दैट शी कुड बी लाइक दिस, यू नो, वेदर इट्स द वे सांझ ड्रेसेस और वेदर वो जैसे चलती है, बोलती है, जो जैसे वो सोचती है, वो बहुत ही अलग और एक देसी कैरेक्टर है. सो कोशिश तो यही है कि इस फिल्म से थोड़ा सा वो इमेज थोड़ी अलग होगी एंड होपफुली आई गेट मोर रोल्स विच आर जस्ट नॉट ओनली ग्लैमरस एंड यू नो इवन अदर सॉर्ट ऑफ रोल्स. कोई सर आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल, बिकॉज आपको इसके पहले अलग अलग देखा होगा, हमने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया गया आपको. सो एनी योर ड्रीम रोल यू वांट टू प्ले? यू टॉकिंग अबाउट द ओल्डर मूवीज उसके जैसा या खुद से? कोई ड्रीम रोल कोई भी आपको जो प्ले करना हो. यार मेरे को ना एक स्टंट मैन के ऊपर जो कहानी होती है, आई वांट टू डू दैट. कि वो जो एक रियल जो फाइटर्स की कहानी होती है, व्हाट हैपेंस विद देम, वेयर दे कम फ्रॉम, I think I really want to do that. But yeah, that's also because his father my father and my uncles who have given like 40 years in the industry. I want to explore that and with the raw action. Okay, Jay, mummy ji ki baat kar rahe hain to mummy jo bane hain dono bahut hi kalakar bahut hi bade hain. So bahut time baad Poonam Dhillon ji bhi wapas aa rahe hain. So, कैसे रहा काम करना एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत टाइम बाद वापस आ रहे हैं. अरे उन्होंने कहा है कि आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा लगा, इन फ्यूचर में और काम करना मतलब करना होगा. I remember one thing, I don't know why it's suddenly coming. Poonam Ji's husband only got vanities. Huh? He only introduced that. Oh, मुझे नहीं पता. So, I think वो मेरे को एक चीज याद आई थी. तो मैंने कहीं पढ़ा भी था. और सुप्रिया मैम पूनम जी बहुत लवली यार, मतलब आई थिंक बहुत लिटिल डिफरेंट पर्सनैलिटीज. But you learn a lot from them. And Supriya ji has one thing, वो energy बड़ी save करते हैं और performance पर ही उनका मतलब ज़्यादा time she thinks about that. And same with Poonam ji, she there for cues and you know she takes care of people who are around. So this is both what they have I think learned. और यही सब चीज़ें हमें भी सीखने मिलती हैं. हमें नहीं पता होता थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये जब हम सीनियर एक्टर से सीखते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं. तो बड़ों से जो सीखी जाती है वो हमेशा याद रहती है. तो दीज आर थैंक यू फॉर लव सर दैट ही गिव अस द चांस टू वर्क विद बोथ ऑफ देम. एंड अभी ऐसे लगा था हमेशा कि हम उम्र हैं क्योंकि वो मस्ती भी करते हैं और घर वाली बात लगती है हमेशा. अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद देम बिकॉज ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो उनको देख के ही सेट पे बहुत मज़ा आता था. प्लस जो मेरी एक रैपो बनी है पूनम मैम के साथ, बिकॉज वो मेरी मॉम प्ले कर रही हैं, मम्मी प्ले कर रही हैं, तो वो एक बहुत ही क्यूट सी बहुत ब्यूटीफुल रैपो बन गई है. एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम वर्क हम और भी चीज़ों के बारे में काफ़ी बातचीत करते थे, अबाउट फिटनेस, अबाउट फूड, अबाउट कॉफ़ी. सो इट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज़ बीन मेड एंड इट्स रियली बीन लाइक बोलते ना कि मैं और कोई माँ नहीं चाहती, तो मैं फिल्म में भी और कोई माँ नहीं चाहती. आई एम वेरी हैप्पी विद पूनम मैम. मतलब द बेस्ट थिंग इज दैट सुप्रिया चौका कमिंग नाउ एज पुनीत एंड सांझ. सो आई थिंक यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ लव. सो दिस टाइम इट्स समथिंग लिटिल विद ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड कॉमेडी मॉम्स. एंड यू नो गो विथ योर मॉम्स, गो विथ योर फैमिली एंड डू वॉच अ फिल्म ऑन 17 चैनल.
या मतलब आई लोग बोलते हैं कि हम सनी और मैं बहुत क्यूट लगते हैं साथ में और ऐसी क्यूट सी फिल्म है जिस पे हमने बहुत मेहनत की है. बट आई ऑल्सो थिंक कि एक ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी बिकॉज इसमें बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस है, फनी है ये फिल्म, बहुत अच्छा म्यूज़िक है. सो गो वॉच इट विद योर मम्मीज, विद योर लवर्स, विद योर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ जाओ और 17 जैन को जय मम्मी दी देखो. थैंक यू. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.